नमस्कार दोस्तों, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं ललित गुरु। जैसा कि मैंने सब्जेक्ट में लिखा ही है कि सेंटर रजिस्ट्रार द्वारा सहार इंडिया के जमाकर्ताओं को मिला लाखों रुपए का भुगतान। जी हां दोस्तों, यह बात सत्य है। हमारे क्षेत्र में सेक्टर दमू पड़ता है। यहाँ बहुत से व्यक्तियों द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस कृषि मंत्रालय कंप्लेंट की गई थी कि हमारा सोसाइटी का भुगतान है जो सहार इंडिया द्वारा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपने लाइसेंस दिया है। तो उस समय सहार इंडिया द्वारा जो एक लिस्ट सूची जारी की गई, जिन्होंने कंप्लेंट की थी सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ, उनका फंड भी आया और ब्याज सहित लाखों रुपए का भुगतान दमू सेक्टर में दिया गया। हम लोगों ने भी लिस्ट लेकर पूरी लिस्ट सहित है जो सेंटर रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ 2 नवंबर 2020 को जमा की थी। मुलाकात भी की थी सेंटर रजिस्ट्रार महोदय से, तो नहीं मिल पाए थे क्योंकि उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, डेट मिलती है, तो इतना समय नहीं था। लेकिन जो संबंधित अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई और उनको बताया कि भाई हम लोगों का भुगतान सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में फंसा हुआ है और कंपनी द्वारा भुगतान नहीं दिया जा रहा। तब उन्होंने हम लोगों को बताया कि भाई आप लिस्ट सूची जमा कर दो, आपका भुगतान दिलाया जाएगा। ठीक है भाई, हम लोग लिस्ट जमा करके आए। लिस्ट जमा करने के बाद ये 2 नवंबर 2020 को जमा की, उसके बाद ये वहाँ से लिस्ट जारी हुई हमारे क्षेत्र में। अब हमारे क्षेत्र में जारी हुई तो कहाँ से, रीजन कार्यालय में जो रीजन कार्यालय के अधिकारी थे, रीजनल मैनेजर बोलते हैं उनको, राय साहब करके थे, उनके यहाँ से एक सूची जारी हुई। ये सूची भी आई और सूची में जमाकर्ताओं के नाम दिए गए और कहा गया कि भाई इनके कागज इकट्ठे कर लो और इनको भुगतान दिया जाएगा। तो अब यहाँ के जमाकर्ता थे, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला भाई साहब आप ही बताओ, हमारी खाते को 2-2 साल हो गए और हमको मैच्योरिटी मिल रही है, जबकि आपके जो सहारा श्री हैं वो मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर सब जगह बोल रहे कि हम एक एक दिन का ब्याज दे रहे। मैंने बोला भाई आपकी इच्छा क्या करना है। कहले नहीं भाई, हम तो ब्याज सही जैसा बोला वैसे ही लेगी। और हमारे यहाँ 2-4 जमाकर्ताओं ने भुगतान, जो उनके छोटे छोटे अमाउंट थे, उनने लिया भी, ब्याज सहित मिला, विलम्ब भी देखा ब्याज नहीं मिला लेकिन मैच्योरिटी मिली। और जिन्होंने नहीं लिया तो उनका आज भी वही चल रहा है कि अब वो 10,000 के लिए तरस रहे कि भाई 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, खुले मिल जाए, क्योंकि सभी लोगों को संस्था पर विश्वास था। हालांकि संस्था ने ये तो पता है कि कलेक्शन से चलता रहा, जो कलेक्शन इधर का उधर, इधर को उधर, और कंपनी है जो ये लाखों रुपए के जो वकील, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे, किससे हो रहे, आप ही की कमाई, आप ही की जो पैसा जमा किया उसी से तो हो रहे हैं। 20 लाख रुपए जो पोर्टल बनाने वाली टीम को दिए जा रहे थे, ये किसका पैसा है, आप ही का तो पैसा है जो सहारा से भी अकाउंट से जा रहा है। इसके अलावा जो स्टेशनरी खर्च होना वो भी आप ही, गरीब जमाकर्ताओं को जो जमा उसी से जाना है, ये सब पैसा आप ही का ही खर्च हो रहा है जो हम लोगों के माध्यम से सहारा इंडिया में जमा किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि 86,000 करोड़ पर ब्याज समेत 2 लाख करोड़, बाकी का पैसा कहाँ है। तो यही तो कोई पूछ नहीं रहा ना, सबके मुंह पर है जो सहारा प्रमुख के नाम पर चुप्पी छा दी हुई है। तो ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि एक सरकारी संस्थान लाइसेंस देती है और अपनी बाध्यता से बचती है। मैंने इनसे संपर्क भी किया कि भाई आपने है जो हमारे यहाँ जो लिस्ट जारी की थी भाई, तो यहाँ से और ये भुगतान हेतु ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बताया, मैं आपको ये एक पत्र जारी हुआ सहार इंडिया का, ये पत्र का क्रमांक था 53/2021,
इसमें नाम थी जमाकर्ताओं की और इसमें ये सहारा इंडिया द्वारा जारी किया गया था। अब इनकी मैच्योरिटी राशि भी जारी की गई थी कि भाई आपने लिस्ट दी है, ठीक है, जमाकर्ता कुछ मैच्योरिटी भी दे चुकी है, लेकिन संस्था मैच्योरिटी किस तरह दे रही थी कि भाई आप आधा पैसा ले लो और आधा फ्री इन्वेस्टमेंट कर दो। तो उन्होंने लेने से भी मना कर दिया, कुछ ने लिया, कुछ ने ज़्यादा ब्याज के चक्कर में नहीं लिया और कुछ ने इसलिए नहीं लिया कि आधा भुगतान दे रही थी, बड़ी खाती थी। और जब वो आज इस पोर्टल पर लॉगिन होती हैं और अपने दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं तो उन्हीं खातों को ये कहा जा रहा है कि आपकी आप सदस्य नहीं हैं, आपकी त्रुटियां हैं, आपने गलत दस्तावेज हैं आपकी। तो यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर सहारा रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं के लिए बनाया गया कि सहारा अपनों को बचाने के लिए बनाया गया। ये सब भविष्य के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति ने किस तरह पूरे देश पर राज किया और जो नेता लोग, बड़े नेता लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, चाहे समाज की हो, जात की, और उनके वर्ग के व्यक्ति ही किस तरह आत्महत्या कर रहे हैं सहारा इंडिया के, चाहे वो जमा करता हूँ चाहे एजेंट हूँ। तो दोस्तों, मैं जो भी जानकारी देता हूँ प्रमाणित और सही जानकारी देता हूँ। यदि कुछ इसमें ऐसी जानकारी हो जो आपकी बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत है।